मुझे ये मूवी काफी ठीक ठाक लगी। आई मीन इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है, तो मैं इसको 1.5 स्टार तो दे ही दूंगा बस। ओके, सो आज से रेटिंग करना बंद, सॉरी, चुप। हाँ, एक ऐसी मूवी आने वाली है जिसमें कि सनी देओल भाई अपने पुराने अंदाज में नजर आने वाले हैं, जिसका कि ये ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब इस मूवी का जो टॉपिक होने वाला है वो सबसे अलग है, यूनिक है और सबसे हटके है। मतलब कि ऐसी कहानी जो तुमने अभी तक ना सुनी होगी ना देखी होगी, ऐसी कहानी को ये लोग लेकर आए हैं। फॉर द बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस। अब इस मूवी की कहानी में एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी को बताया जाता है जो कि एक खतरनाक साइको सीरियल किलर बन जाता है। अब वो क्यों बन जाता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये आर्टिस्ट एक विलन स्टाइल में पहले तो सीरियल किलर बनकर लोगों को मार देता है। और पता है इस किलर का जो मेन टारगेट होता है इस मूवी में वो कौन है? फिल्म क्रिटिक्स। जी हाँ, फिल्म क्रिटिक्स, जो कि मूवी को स्टार के जरिए रेटिंग दे देते हैं। उनको ये किलर पहले तो टारगेट बनाता है अपना और फिर उनको मार देता है। और इसका मारने का जो स्टाइल है वो सबसे अलग है, यूनिक है और सबसे हटके है। मतलब कि ये सीरियल किलर पहले तो पुरानी फिल्मों के जरिए अपने टारगेट को ढूंढता है और उसी स्टाइल में मार देता है। और मारने के बाद ये किलर डेड बॉडीज के ऊपर अपना एक हुक मार्क स्टार वाला छोड़कर जाता है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये किलर मूवी को मिलने वाले स्टार के आधार पर अपने टारगेट को ढूंढता है और फिर वो उनको मार देता है बहुत ही बुरी तरीके से। टाइम बहुत खराब आ गया। अब इस मूवी में सनी देओल के एंट्री को काफी मस्त तरीके से दिखाया है भाई, पुराने अंदाज में। और दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी की जो फ्रेश केमिस्ट्री है वो काफी सही लग रही है। अब इस मूवी के जो राइटर है आर वाल्की, उन्होंने इस मूवी के जरिए एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त को ट्रिब्यूट दिया है। एंड ये वाली मूवी 23 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। तो इस मूवी के ट्रेलर को तो आप ही स्टार दो, मैं नहीं दे रहा, मेरा हो गया।